Hello, you're listening to Pankaj Rai, and in this video we are going to discuss the ninth HOTS problem of geometry. So let us begin. The problem says that in the figure DE intersects side of triangle ABC in point P and Q. So DE intersect triangle ABC in points P and Q. Okay. और हमें दिया है कि arc AD is equal to arc DB. Arc AD. So this is the arc AD and this arc is equal to arc DB. Okay. And we have also been given that arc AE, this is arc AE, is equal to arc EC. Okay. So these are the things which are given, and we have to show that the angles PQC and BPQ. PQC, that means this angle is equal to BPQ, BPQ, this angle. So we have to prove that these two angles are equal. So that is the question. Now let us begin. Okay, तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमें जो given है कि arc AD और DB दोनों equal हैं, पर यहाँ पे आप देखें तो कोई भी एंगल इंस्क्राइब नहीं है आर्क ए डी और डी बी में, और सिमिलरली आर्क ए ई में भी कोई एंगल इंस्क्राइब नहीं है और आर्क ई सी में भी कोई एंगल इंस्क्राइब नहीं है. तो उससे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. समझिए, हम ज्वाइन करते हैं डी और सी को, और साथ ही साथ हम ज्वाइन करते हैं बी और E को. अब आप देखेंगे कि जो आर्क ए डी है और जो आर्क डी बी है, इसमें बहुत सारे एंगल बन गए हैं. आर्क ए डी में इंस्क्राइब्ड एंगल है ए सी डी, तो ये ए सी डी जो है वो आर्क ए डी में इंस्क्राइब्ड है, और उसी तरह से एंगल डी ई बी, एंगल डी ई बी जो है वो भी डी बी आर्क में इंस्क्राइब्ड है, और एंगल डी सी बी, ये एंगल भी डी बी आर्क में इंस्क्राइब्ड है. तो क्योंकि ये सारे एंगल इन आर्क में इंस्क्राइब्ड है जिनकी लेंथ सेम है, तो ये सारे एंगल की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी. तो लेट्स से हम कहते हैं कि एंगल डी ई बी इज इक्वल टू एंगल दैट विल बी मेजर ऑफ एंगल. सो मेजर ऑफ एंगल DEB is equal to measure of angle ACD. This is ACD, and that will be also equal to DCB. So that is equal to measure of angle DCB. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये वाली आर्क देखिए, AE. AE में जो है आप देख रहे हैं एंगल ABE इंस्क्राइब्ड है. तो ये जो एंगल है ABE, ये AE में इंस्क्राइब्ड है. आप देखेंगे कि ई सी में दो एंगल इंस्क्राइब्ड हैं, ई डी सी, ये ई डी सी जो एंगल है ये ई सी में इंस्क्राइब्ड है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ई बी सी, ये एंगल भी ई सी में इंस्क्राइब्ड है. अब ये दोनों आर्क इक्वल हैं, इसके कारण ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेजर ऑफ एंगल ई डी सी. सो दैट इज ई डी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए बी ई. मेजर ऑफ एंगल ए बी ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ई बी सी. मेजर ऑफ एंगल ई बी सी. तो ये सारे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होने के कारण इक्वल हो जाएंगे. लेट्स से इन सारे ऑरेंज एंगल्स को हम एक्स बोलते हैं और इन सारे ब्लू एंगल्स को हम वाई बोल देते हैं. आगे देखते हैं हमें चाहिए क्या. अब हमें चाहिए ये एंगल, ये P. अब अगर आप देखें गौर से, ट्राइंगल ई पी बी में, ट्राइंगल ई पी बी में, इन ट्राइंगल ई पी बी अगर आप देखें तो एंगल P वो है जो हमें चाहिए यहाँ पे बी पी क्यू, दैट इज़ बी पी क्यू या बी पी ई कहें, एक ही बात है. तो एंगल, मेजर ऑफ एंगल बी पी क्यू,
प्लस उसके अंदर और कौन सा एंगल है, उसके अंदर है ये एंगल जो है पी बी ई, पी बी ई ये ब्लू वाला एंगल है जिसे हम लेट्स से वाई कह लेते हैं, प्लस एक और एंगल है इस ट्राइंगल में जो है ये वाला पी ई बी जो ऑरेंज एंगल है जिसे हम एक्स कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होता है क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का एंगल 180 होता है, सारे एंगल्स का टोटल 180 होता है। अब दूसरा वाला हमें क्या चाहिए, दूसरा वाला हमें चाहिए पी क्यू सी, पी क्यू सी। तो एक काम कीजिए आप ट्राइंगल देखिए डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी जो ट्राइंगल है उसमें देखिए क्यू एंगल हमें चाहिए, तो ये है मेजर ऑफ एंगल डी क्यू सी, प्लस डी क्यू सी में एंगल डी देखिए, ये एंगल डी जो है ये तो हमारा ब्लू एंगल है तो इसे हम वाई कह देते हैं, प्लस डी क्यू सी में एक और एंगल है एंगल सी, ये क्यू सी डी वाला, तो ये तो ऑरेंज वाला एंगल है तो इसे हम एक्स कह देते हैं, और इन तीनों का टोटल भी 180 डिग्री होगा बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो आप देख रहे हैं अगर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो इन दोनों इक्वेशन से ये सारी चीज़ें सेम है, तो सीधी सी बात है ये चीज़ और ये चीज़ भी सेम होनी चाहिए, यानी हमें मिल जाएगा कि मेजर ऑफ एंगल बी पी क्यू इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी क्यू सी, पर ये जो बी पी क्यू है बी पी क्यू यही तो हमें चाहिए था, और डी क्यू सी, डी क्यू सी नहीं यहाँ पे हमें पी क्यू सी चाहिए, तो इसको तो हम पी क्यू सी कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी और ये प्रूफ हो गया। थैंक यू वेरी मच।